नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं पंडित पंतवार दिल्ली प्रदेश बीजेपी और हमारे साथ है जितेंद्र चौधरी दूसरे के पूर्व अध्यक्ष। जितेंद्र जी, आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की युवा विरोधी के अंतर्गत उनको ये देखते हुए आज कभी दिल्ली का युवा वर्ग अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव होने के कारण जिस प्रकार एक साल तक हम जैसे युवाओं का मन कहीं ना कहीं बर्बाद होता गया, घुटता गया, उसको देखते हुए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की सोची है। आपको क्या खास लगा बीजेपी में कि इसमें आना चाहिए बीजेपी में? देखिए, पुलवामा में जब अटैक हुआ तो उस सेना से बदला लेने के अलावा सबूत मांगने की जो उन्होंने ये रणनीति चालू करी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मन इतना खराब हुआ और टुकड़े गैंग का समर्थन करना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का ये दर्शाता है कि वो युवा विरोधी तो है ही, वो देश विरोधी भी है। तो कहीं ना कहीं यही सोच करके आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आम आदमी पार्टी में आप कब तक रहे, क्या पद था? मैं आम आदमी पार्टी में 1.5 साल रहा, प्रदेश सचिव के साथ साथ खेलकूद प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। किन किन से आपकी मुलाकात होती थी? केजरीवाल, सिसोदिया या पांडे जी से? किसी जी, मेरी अरविंद जी से भी मुलाकात कई बार हुई है, कुमार विश्वास जी से भी हुई है, कपिल मिश्रा जी से भी हुई है, मनीष सिसोदिया जी से भी हुई है। क्या लगता था आपको वहाँ पर? लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, एक हिटलर शाही है जो कि अध्यक्ष भी है, खुद पिछले 5-7 साल से अध्यक्ष भी है और आज तक चेंज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं यही चीज देख करके मन इतना खराब हुआ और आज मैंने यह निर्णय लिया। आप बीजेपी में आप आ गए हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? एक ही रणनीति रहेगी, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए हमें कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार करना है और मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर मजबूती से काम करना है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जी, कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज दिल्ली। सब्सक्राइब करें।